हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, आज हमारी जो बात है वो ऑटो लाइन से थोड़ी सी अलग हटके है, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है। आज मैं आपको 18 साल से और 44 साल के जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया है। जिन लोगों ने अपना आरोग्य सेतु पे वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर लिया है और उनको बुकिंग नहीं मिल पा रही है, जब भी वो खोल के चेक करते हैं हमेशा फुल रहता है, जब भी खोलते हैं फुल रहता है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो वो सोचते हैं कि भाई अब हमें बुकिंग कैसे मिलेगी, कब खोलें, कब खाली होगा। तो इसका क्या कारण है वो मैं बताऊँगा आपको। इसका कारण दोस्तों ये है कि आप लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं और काम में बिजी रहते हैं, तो इसलिए जब भी आप खोलते हैं आपको बुकिंग फुल मिलती है। आप इसे एक तो हमेशा शाम को 7-8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खोलें, और ये बहुत जल्दी खुलती है और बहुत जल्दी बंद हो जाती है। दोस्तों जो घर में लोग रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, वो पूरा दिन चेक करते रहते हैं, जब भी बुकिंग खाली होती है वो तुरंत उस पर अप्लाई करके बुक कर लेते हैं, और जब आप शाम को घर जाते हो तो आपको बुकिंग सारी भरी हुई मिलती है। तो मैं दोस्तों आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से बुकिंग कर सकते हो। और दोस्तों मैं आप सभी ड्राइवर भाइयों से ये कहना चाहूँगा, दोस्तों आप काफ़ी सारे ड्राइवर भाई ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं और चैनल को पसंद भी करते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं उन ड्राइवर भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और चैनल आपको अच्छा लगता है, आपको ये अच्छी जानकारी मिलती है यहाँ से, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें खुशी मिलती है कि हाँ, हमें पता लग जाता है कि हमारे ड्राइवर भाई कितने हमारे साथ इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, तो हम उसी तरीके से फिर वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको देते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए वो देखते हैं क्या तरीका है जिससे हम आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करना है ये। तो सबसे पहले आपको ये जो प्ले स्टोर का निशान दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, इसे खोल लेना। खोलने के बाद सबसे ऊपर आपको लिखना है टेलीग्राम। टेलीग्राम लिखेंगे तो नीचे देखो टेलीग्राम का एक लोगो बन के आ गया है, उसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। जब इस पर आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पे क्लिक करके ये ऐसे दिखाई देगा। ये मेरे को दिखाई दे रहा ओपन करने के लिए दिख रहा, आपके में ये ओपन नहीं, इसमें आपको इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन दे रखा होगा, उसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपका भी ऐसे ही दिखाई देगा, तो आपको फिर यहाँ से ओपन कर लेना है। उसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद ये ऐसा दिखाई देगा। तो ऊपर आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है। ऊपर मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे जो तीर का निशान बना है उस तीर के निशान को ओके कर देंगे। OTP आएगा एक, ये OTP अपने आप वेरीफाई कर लेगा और लॉगिन हो जाएगा। अभी OTP आने वाला है दोस्तों थोड़ी देर में, और ये लॉगिन हो जाएगा। ये अभी ब्लैक ब्लैक दिख रही है, अभी OTP आने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे ब्लैक नहीं दिखाई देगा। और ये अब मेरा लॉगिन हो गया, ये लॉगिन हो गया। तो दोस्तों अभी जो मुझे ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, आपके में ऐसी चीज़ें इतनी सारी नहीं दिखाई देंगी। आपको सिर्फ अब क्या करना है, जो मैं लिंक दूंगा आपको, जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो के नीचे एक लिंक दूंगा मैं ये टेलीग्राम का, उसी से आपको ये
जानकारी मिलेगी कहाँ जगह खाली है। तो आप YouTube पे जाएंगे और मेरा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा। तो वो कैसे मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ तरीका। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे समझो आप मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के जो साइड में एक निशान, ये वाला निशान जो है वीडियो के साइड में, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे नीचे देखोगे लिखा हुआ टेलीग्राम लिंक कोवी अलर्ट दिल्ली, और जो सबसे नीचे नीले रंग की लाइन लिखी है वही लिंक है। उसी लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करते ही आप सीधा टेलीग्राम पे ही पहुंच जाओगे, अपने टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम पे पहुंचने के बाद मैं बताता हूं दोस्तों भी आपको, ये आप टेलीग्राम पे आ गए तो मैंने तो साइन इन कर रखा है, आपके में ऐसा नहीं दिखाई देगा, आपके में लिखा हुआ आएगा ज्वाइन, तो आप उस पर ज्वाइन हो जाना। और व्यू चैनल अगर लिखा हुआ है तो व्यू चैनल पे क्लिक कर देना, और फिर आपको ये सब चीज़ें ऐसे ही दिखाई देंगी। ऊपर कोवी अलर्ट लिखा उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये ऐसे दिखाई देगा। ये सब मैसेज आए हुए हैं जहाँ जहाँ जगह खाली है दोस्तों, बहुत मैसेज आए हुए हैं। साइड में आपको दिख रहा होगा नीचे कि 60 मैसेज आए हुए हैं जहाँ पे अभी वैक्सीन के लिए जगह खाली है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है अनम्यूट, ये अनम्यूट जो है इस पर क्लिक कर देना है आपने। ये अनम्यूट नहीं रहना चाहिए दोस्तों, म्यूट, ये जो म्यूट है ऐसा ही म्यूट रहना चाहिए तभी मैसेज आता है। सबसे नीचे जो म्यूट लिखा है MUTE म्यूट, ये ऐसा ही रहना चाहिए तभी मैसेज आएंगे। अगर हम इसको दबा देंगे तो ये अनम्यूट हो जाएगा, और फिर से दबा देंगे तो ये म्यूट हो जाएगा। तो हमें इसे ऐसे अनम्यूट नहीं रखना है, इसको हम एक बार और दबा देंगे तो फिर ये म्यूट हो जाएगा। अभी दबा के देखते हैं दोस्तों, ये दबा दिया दोस्तों, अब ये हो गया म्यूट। बस ये ऐसे म्यूट पे ही रहना चाहिए। अब आपके पास मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, जितने भी आएंगे मैसेज सब यहाँ पे सामने दिखाई देंगे। ये देखो पिन कोड के हिसाब से आएंगे, पिन कोड लिखा हुआ आएगा, स्कूल का नाम लिखा हुआ आएगा, जगह का नाम लिखा हुआ आएगा, और डेट लिखी आएगी, और 18+ सब लिखा हुआ आएगा। जैसे अभी ये आ रहा है दिल्ली 1180 का, ये बच्चन प्रसाद स्कूल है, तिगड़ी में है ये, और ऊपर वाला भी सेम है, दोनों एक ही स्कूल के हैं, फ्लोर बाई फ्लोर हैं, एक फर्स्ट मंजिल का है, एक सेकंड मंजिल का है। तो पूरी दिल्ली में जहाँ भी जगह खाली होती है सब आते रहते हैं। आपने अपने नज़दीक वाले उसमें देखना है, उसी पे क्लिक करके आप कर लेंगे। उससे पहले अब चलिए अब आरोग्य सेतु ऐप देख लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप आपने डाउनलोड कर रखा होगा मुझे पता है, और नहीं कर रखा है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर दे देना, OTP आएगा, OTP डाल के ये इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। अब ये लॉगिन हो गया आरोग्य सेतु। अब आपको सबसे ऊपर ग्रीन कलर का जो इंजेक्शन वाला निशान दिख रहा है उसी पे क्लिक करना है, जो ग्रीन कलर का इंजेक्शन का निशान ये वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे मोबाइल नंबर लिखने के लिए मांग रहा है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, और नीचे लिखा है प्रोसीड टू वेरीफाई, उस पर क्लिक कर देंगे तो इसमें एक OTP आएगा, उस OTP को हम यहाँ पे डाल देंगे। OTP आ गया मेरा, अब OTP डाल देंगे, और नीचे राइट साइड में जो लिखा है प्रोसीड टू वेरीफाई उसको दबा देंगे। उसको दबाने के बाद ये ऐसा खुल के आएगा, मैंने अपने इसमें लॉगिन कर रखा है तो इसमें मेरी बुकिंग आ रखी है। और आपकी अगर बुकिंग ना आए तो दोस्तों आप
मेरी पिछली पुरानी वीडियो है उस पर देख लेना कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करना पहले बहुत ज़रूरी है, पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेना तभी ये आपको ऐसा दिखाई देगा। मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है दोस्तों, इसलिए दिख रहा है। मैंने वीडियो बना रखी है, मेरी पुरानी वीडियो में देख लेना, रजिस्ट्रेशन 18 प्लस वाले रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पूरा मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप वो देख लेना और रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद अब आप बारी आती है बुकिंग की, तो अभी देखते हैं कैसे बुकिंग करनी है। अब यहाँ पे हमारे ये आ गया है, अब इसमें हमने बुकिंग करनी है टेलीग्राम वाले से, क्योंकि ऐसे हम ढूंढते रहेंगे तो हमें मिलेगी नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में, और जब तक हम ढूंढेंगे वो सारी सीटें बुक हो जाएंगी। तो हमें ये टेलीग्राम की मदद से ये सारा काम बहुत जल्दी जल्दी करना है दोस्तों, इसमें टाइम नहीं लगाना है। जैसे ही पिन कोड आता है और जगह खाली आती है बुकिंग कर देनी है। अब हमने ये जो मैंने निशान लगाया इस पर क्लिक कर देना, जो कैलेंडर सा बना हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो ये खुल के आ जाएगा, ये आरोग्य सेतु ऐप है दोस्तों। अब इस पर ऊपर लिखा है पिन कोड, यहाँ पे हमें अपना पिन कोड डालना है जहाँ पे हम रहते हैं या जहाँ की हमें बुकिंग करनी है, उस इलाके का पिन कोड डालना है इसमें। तो मैं अभी यहाँ का डाल देता हूँ, अपना ईस्ट दिल्ली का जहाँ मैं रहता हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें आपने पूरा नहीं डालना है, 1100 ये लिख के छोड़ देना है, और नीचे जहाँ फ्री वाला लिखा है उसी पे टिक करके रख देना, इस पे टिक रखना है दोस्तों। साइड में एक और है पेड वाला, अगर उस पे टिक कर देंगे तो दोस्तों आपको प्राइवेट हॉस्पिटल की डेट मिलेगी, उसमें आपके 1000-1200 रुपये लग जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको फ्री वाले पे ही करना है, ये पेड वाले पे मत कर देना नहीं तो पैसे लग जाएंगे। तो फ्री वाले पे करने के बाद दोस्तों हमने कर दिया, और ऊपर हमने पिन कोड पे खाली 1100 डाला है। वो क्यों डाला है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये हमने डाल के ऐसे छोड़ देना। और दोस्तों ये जो ऐप है 15 मिनट तक ही लॉगिन रहता है, 15 मिनट के बाद ये लॉग आउट हो जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। 15 मिनट होने से पहले ही दोबारा से लॉगिन करके ऐसे ही रखना है, ये लॉगिन करके ही रखना है आपको, और 1100 पिन कोड पे डाल के रखना है। इतना डालने के बाद अब हम चलेंगे अपने टेलीग्राम ऐप पे। अब दोस्तों चलते हैं टेलीग्राम ऐप पे, ये मैंने टेलीग्राम ऐप खोल लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे बुकिंग कहाँ पे, कौन से पिन कोड पे बुकिंग खाली है, मैसेज आएगा। तो अभी जैसे ये दिखा रहा है हमें पिन कोड 1100 47, तो दोस्तों इसमें बहुत जल्दी जल्दी बुकिंग करनी होती है, टाइम लगाओगे तो इतनी देर में तो सब लोग बुकिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो 1100 लिखा था इसीलिए लिख के रखा हुआ था, ताकि हमें बस लास्ट के दो अक्षर लिखने पड़े। अब मैंने 47 लिख के ओके कर दिया। अब नीचे हम देखेंगे जहाँ पे लिखा है फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे जो लिखा है सिलेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला सिलेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्कूलों की लिस्ट आ जाएगी, इनमें से जो भी हमें पसंद हो उस पर हम क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी 18 साल वालों के लिए कुछ नहीं दिखा रहा है। दूसरे स्कूल में चेक करेंगे उसमें भी नहीं दिखा रहा। अब तीसरे में हमने चेक किया तो दोस्तों देखो 18 साल वालों की 130 सीटें खाली पड़ी हैं दोस्तों, यहाँ पे कल की डेट की 18 साल वालों की 130 सीटें खाली हैं दोस्तों यहाँ पे कल की डेट की। अब हमें ये बुक करना है तो हमें यहाँ से राइट हैंड पर जो टाइम लिखा हुआ है इस टाइम में से अपने हमें कोई एक टाइम ले लेना है, जिस टाइम भी हमें सुविधा हो जाने की वही टाइम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आधा एक घंटा आगे पीछे चल जाता है दोस्तों, आप लेट भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर से हम टाइम सिलेक्ट करेंगे, मैं इसमें टाइम 11 बजे का सिलेक्ट कर लेता हूँ, और नीचे नीले कलर में जो प्रोसीड लिखा है इस पर हम प्रोसीड कर देंगे।
प्रोसीड करने के बाद अगली विंडो देखो खुल गई है। ये इसका नाम है सेंटर का राजकीय बाल विद्यालय नागर S3, डेट 19, स्लॉट है 11 बजे से 1 बजे का, वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। और ये सब कुछ देखो दोस्तों आ गया लिखा हुआ। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हमने बुकिंग कर ली। और अभी टाइम हुआ है दोस्तों 10:30, रात के 10:30 बजे मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। इस टाइम ही बुकिंग होती है, रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब बुकिंग करने के लिए हमने ओके कर देना, बस बुकिंग हो जाएगी। तो मुझे बुकिंग नहीं करनी है दोस्तों, मेरी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। ये मैंने आपको समझा दिया दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसे बुकिंग को कर दिया। एक बार और मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। सबसे पहले अपना टेलीग्राम ऐप खोलना है। टेलीग्राम ऐप खोलने के बाद दोस्तों मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। अभी ये सब कुछ देख के आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होना, मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्या करना है कैसे करना है। टेलीग्राम ऐप, ये टेलीग्राम ऐप है दोस्तों, इसमें अभी बताता हूँ मैं इसको मैं पहले लॉग आउट कर देता हूँ दोस्तों। शुरू से आपको दिखाता हूँ कैसा होता है, किस तरीके से करते हैं इसको। अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। ये लॉग आउट कर रहा हूँ मैं इसको, ये लॉग आउट कर दिया मैंने दोस्तों। अब ये ऐसा शुरू में आपको ये टेलीग्राम शुरू में ऐसा दिखाई देगा, नीचे जो लिखा है स्टार्ट मैसेजिंग, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये अगली विंडो पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डलेगा, टेलीग्राम है ये, इस पर आप अपना फ़ोन नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना। OTP आएगा, वो OTP अपने आप ले लेगा। OTP लेने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा, टेलीग्राम लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। लॉगिन होने के बाद फिर क्या करना है मैं बताता हूँ। अभी इधर OTP आ रहा है, आने दो फिर देखते हैं। खोलते हैं दोबारा से टेलीग्राम अपना, OTP आ गया। पहले व्हाट्सएप पे वो लिंक देख लेते हैं, जो लिंक है टेलीग्राम वाला, आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना है। मेरे पास लिंक है, अभी बताता हूँ मैं आपको कौन सा लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है ये वाला, एक ये लिंक है जिस पे लिखा है, और अभी दिखाता हूँ मैं कैसे करना है दोस्तों। थोड़ा और वीडियो पूरा देखना दोस्तों, सारा समझ में आ जाएगा आपको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बस एक मिनट रुक जाओ, अभी आता है लिंक। ये जो लिंक दिख रहा है इस पर लिखा है 18 से 44 साल, इसको ओके करेंगे तो ये टेलीग्राम वाले निशान पे ओके कर देना, तो ये डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंचा देगा। ये वाला ये लिंक है दोस्तों, इस लिंक पे जो नीले रंग का जो लिखा हुआ है इसी पे आपको क्लिक करना है। उंगली से एक बार इसे टच कर देना, टच करने के बाद टेलीग्राम का निशान बना हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर देना। ये आ गया निशान, तो लेफ्ट हैंड पे नीले रंग का जो टेलीग्राम का निशान है इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद ये सीधा वहीं हमें लेके जाएगा टेलीग्राम में। अभी देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, थोड़ी देर और वीडियो में बने रहो, सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए दोस्तों, ये सीधा हमें टेलीग्राम में लेके आ गया। अब यहाँ से हम मैसेज देखेंगे, फटाफट देखेंगे सबसे नीचे करके, जो नया मैसेज आया होगा सबसे नीचे मिलेगा। ये सबसे नीचे पूरा नीचे कर देंगे इसको, इसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर कर देंगे पूरा का पूरा, ऊपर को कर देंगे और सबसे नीचे लास्ट में जाके हमें नया मैसेज मिलेगा। ये मैंने सबसे ऊपर कर दिया था। इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे कितनी सारी बुकिंग आई हुई है, और ये लिंक है वो जो मैंने आपको बताया था। इस लिंक में सबसे नीचे जो लिखा है नीले कलर से व्यू चैनल, आपने इसी पे क्लिक करना है, व्यू चैनल पे।
या ज्वाइन करने का बटन आएगा तो ज्वाइन कर देना, नहीं तो ये व्यू चैनल लिखा हुआ है, इस व्यू चैनल पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो बिल्कुल ये वाली चीज़ सामने खुल के आ जाएगी, ये सब चीज़ें खुल के आ जाएंगी और यहाँ पे बुकिंग आनी शुरू हो जाएगी। और इस बटन का आपको खास करके ध्यान रखना दोस्तों, ये इसी तरीके से रहना चाहिए, MUTE ही दिखना चाहिए, अनम्यूट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे MUTE लिखा हुआ होना चाहिए तभी मैसेज आएगा। अगर आपने अनम्यूट म्यूट कर दिया, म्यूट को दबा दिया तो मैसेज नहीं आएगा दोस्तों। अभी जैसा का जैसा ये है पिक्चर में बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए म्यूट। अभी देखो नीचे कितनी सारी बुकिंग आई हुई है दोस्तों, ये दिल्ली 0074 की आई हुई है, 76 की आई हुई है, और इसके बाद ये 47 की आई हुई है, बहुत सारी बुकिंग। इसमें कम से कम रात में आप एक घंटा बुकिंग करने बैठोगे कम से कम आपको 400-500 बुकिंग खाली मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपको फटाफट ये काम करना है, क्योंकि ये लिंक जैसे ही इस पे मैसेज आता है तो एक आप अकेले नहीं बुक कर रहे होंगे उस टाइम पे, हज़ारों आदमी बुक कर रहे होंगे दिल्ली के अंदर, और वो फटाफट इस पे पिन कोड देख के और आरोग्य सेतु ऐप पे डाल के पिन कोड फटाफट बुकिंग कर लेते हैं दोस्तों। इसलिए आपको भी बहुत जल्दी जल्दी करना है, फटाफट करना है, जो भी जैसे इस पे से लिंक लेके पिन कोड लेके उस डाल के, और उधर का सारा प्रोसीजर अपने आप होता चला जाए।